सो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला है डक्की भाई पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर डक्की भाई के साथ। तो यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, अपने वहाँ से उसको डाउनलोड करना है। कुछ ऐसा आपने पोज देख के अपनी पिक्चर क्लिक करा लो या जैसा भी आप दो आपकी मर्जी है, ठीक है। डक्की भाई ने जब ईट्रॉन है, पता नहीं ईट्रॉन क्या है, मैंने देखे नहीं, ठीक है, सॉरी ईट्रॉन थी तो ये जब ली थी तब की है, लेकिन मैं पिक्चर पहले एडिट कर चुका हूँ, बना बाद में रहा हूँ, ठीक है। तो आपने एडजस्टमेंट में जाके अपने बॉर्डर को एडजस्ट कर लेना है, यानी कि डक्की भाई और बैकग्राउंड के साथ थोड़ा अटैच करने की, मैच करने की कोशिश करनी है एडजस्टमेंट में जाके। बाकी काम हम लाइट रूम में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत सिर्फ हमारा मॉडल चेंज होगा उसमें सब, यानी कि बैकग्राउंड में सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है, वो बाद में करेंगे। तो पहले एडजस्टमेंट में जाके अपनी इसको लाइटिंग को सेट कर लेंगे। तो आपका यानी कि लाइटिंग अलग होगी, मेरी अलग होगी, लाइट होगी ज़्यादा, लाइट होगी ज़्यादा, डार्क होगी, तो ये आप खुद कर सकते हो एडजस्टमेंट में जाके, ठीक है। तो ये हो गया, बस यहाँ पर बस इतना ही था। बस मेन चीज़ आ गई हमारी शेडो, जिससे हमारी पिक्चर लेवल की बन जाती है, मैं कहता हूँ भाई अमेजिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेडो भाई, ये सॉरी डक्की भाई की शेडो एड यहाँ पे हम अपने भी वैसे ही देने की कोशिश करेंगे। ओपेसिटी हार्डनेस हमेशा हम कम ही रखते हैं एंड ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं साइज़, जब बड़े वाले एरियाज़ पर लगाना होता है हम थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं, जब छोटे वाले एरिया पर लगाना होता है छोटा साइज़ कर देते हैं, वो मसला में नहीं होता, ठीक है। तो ये आ गया हमारे शेडो, ठीक है। शेडो से देखो ओरिजिनल लग रहा है कि नहीं लग रहा, जब इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ये हो गया, उसके अलावा फिर से जाएंगे एंड यहाँ पे अपना ब्रश का साइज़ भी सब कुछ छोटा करके यहाँ पे शेडो दे देंगे, थोड़ी अंदर की तरफ देंगे, थोड़ी डार्क देंगे जैसे है, तो यहाँ पे फिर हमारी ओरिजिनल लगेगी। जैसे शेडो देते हैं ना तो हमारी पिक्चर ऐसी लगती है जैसे हम ओरिजिनली वहाँ पे खड़े हुए हैं, जैसे हम एडिट करते हैं तो हमारी पिक्चर वहाँ पे खड़े हुए नहीं नज़र आती ना, फेक लगती है, ये सीन है। बाकी यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम साइड पे दे देंगे यहाँ पे ये एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन करेंगे एंड इनफ। चलते हैं आप सीधा लाइट रूम में सेव करके। चलो यार अभी पिक्चर को लेके हम लाइट रूम में आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, लाइट्स को एडजस्ट करते हैं, तो थोड़ा बहुत हम अपनी लाइट को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारी जो लाइटिंग है वो एडजस्ट हो जाए, यहाँ पर सेट हो जाए, ठीक है। तो शेडोज़ को हम प्लस में करते हैं, वाइट को थोड़ा सा डाउन करते हैं एंड ब्लैक को भी थोड़ा सा डाउन कर, यानी कि माइनस में लेके जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे क्योंकि हमारी जो लाइट्स है टेम्परेचर बढ़ा हुआ अच्छा लगेगा, ठीक है, जैसे लाइट कंडीशन है। इसके अलावा आप टिन को थोड़ा सा आप माइनस में रख सकते हो, इसके अलावा वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं कलर मिक्सचर पे, यहाँ पे रेड वाला सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे लिप्स के लिए होता है, ये हमारे फेस के लिए होता है ऑरेंज, ये फेस हमारा एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखो जैसा आप रखोगे वैसा होगा, इसको मैं थोड़ा सा सैचुरेशन प्लस करता हूँ एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्लस में रखेंगे, ये ग्रीन हो गया हमारा, इसकी भी सैचुरेशन को प्लस में रखेंगे, इसकी सैचुरेशन डाउन कर देते हैं, बाकी दो तीन की सैचुरेशन डाउन कर देते हैं, यहाँ पे डन करते हैं। इसके बाद टेक्सचर इफेक्ट्स पे चलते हैं एंड टेक्सचर को बढ़ा देते हैं, क्लैरिटी को थोड़ा डाउन करते हैं एंड ईयर्स को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, विगनेट को थोड़ा सा हम डाउन करेंगे एंड इसके अलावा यहाँ पे चलते हैं तो हमारे ग्रेडिंग ले लेंगे। फर्स्ट वाला शेडो तो इसको हम यहाँ पे जैसे आपको रखना चाहो, जैसे आपको अच्छा लगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको ये वाले साइड पर रखूँगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये इसके अलावा यहाँ पे चलते हैं एंड इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से, हाईलाइट को थोड़ा सा इसको डाउन एंड यहाँ पे इसको ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रखना चाहो या कोई और रखना चाहो ऐसे यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा सा और भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमारी पिक्चर ऐड हो चुकी है, बिफोर आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी लेवल की ऐड हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो ये रही हमारी बिफोर, हो जा भाई आफ्टर, ठीक है। तो बस लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बॉस बाय।